हेलो एवरीवन दिस इज़ धीरज सूरी एंड आई वेलकम यू ऑल इन धीरज सूरी क्लासेस सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सॉल्यूशन ऑफ ए मॉक टेस्ट मैक्रो इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स वन बी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर थ्री के लिए जो आपने फर्स्ट चैप्टर होपफुली पढ़ लिया होगा लेबर का और उस लेबर चैप्टर के फिर आपको टेस्ट करने ये वीडियो आप तब देखिए जब टेस्ट आप अटैम्प्ट कर चुके हैं तो एक बार खुद से अटैम्प्ट कीजिए फिर ये लेक्चर आप देखिएगा अगर आपसे कुछ क्वेश्चन करने में समस्या आ रही है तो इस लेक्चर में देख <coughs> सॉरी <coughs> आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या आ, उसका करेक्ट आंसर या सॉल्यूशन होना चाहिए था चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर वन लेक्चर वन है इसमें फोन नंबर मांग रहा है नाइन एट नाइन नाइन वन नाइन टू ज़ीरो टू सेवन नेक्स्ट चलिए जी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पे आया है ऊपर एक तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है पंद्रह मिनट का टाइम था यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया वेजेस आर यूजुअली बिलो द रिज़र्वेशन वेज इन यूरोप बिकॉज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूरोप इज सो हाई देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना भी हाई हो कोई वर्कर रिजर्वेशन वेज के नीचे काम नहीं करेगा कोई क्यों काम रिजर्वेशन वेज वो मिनिमम वेज है यहाँ पे आप वर्क करना पसंद करते हैं वर्क करते हैं उसके नीचे वेज मिलेगा तो आप वर्क नहीं करेंगे तो so वेज कभी रिजर्वेशन के वेज के नीचे नहीं जा सकता ये बात आपकी हो गई फॉल्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लाइकली टू राइज इफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इंक्रीज़ अगर बेनिफिट्स बढ़ेंगे हाँ ये बात सही है देखिए क्या होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ते हैं ना तो आपका वेज सेटिंग रिलेशन जो है ये प्राइस सेटिंग है ये वेज सेटिंग है ये आपका यूएन है लेकिन जब आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ते हैं तो वेज सेटिंग राइट पर शिफ्ट करता है और यू जो है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है यू से यू डैश पर चला जाता है तो ए इज़ द राइट आंसर अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी सपोज दैट फॉर्म्स मार्कअप ओवर कॉस्ट इज फाइव परसेंट एंड वेटिंग टू पी वन माइनसॉयमेंट रेट वट इज रियल वेज एज डिटरमाइंड बाई द प्राइस सेटिंग इक्वेशन देखिए रियल वेज क्या होगा यहाँ पे प्राइस सेटिंग जो रियल वेज दे रही है वो क्या होगा कोई करना है इसको रियल वेज हमको क्या होता है वट इज रियल वेज रियल वेज होता है डब्ल्यू बाई पी इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस फाइव परसेंट है so, 1 1 कितना होगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू ही होगा फिर भी चेक कर लो एक बार मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ वन बाय वन पॉइंट ज़ीरो फाइव जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू थ्री आ रहा है तो ये राइट right आंसर हो गया आपका नेक्स्ट चलते हैं वर्कर्स डू नॉट बिलोंग टू यूनियंस वर्कर्स हु डू नॉट बिलोंग टू यूनियंस हैव नो बार्गेनिंग पावर नहीं नहीं आपने पढ़ा है यूनियन वालों की भी बार्गेनिंग पावर होती है इंडिविजुअल की भी बार्गेनिंग पावर होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन ऐसा कहना कि उनकी है ही नहीं बार्गेनिंग पावर ये गलत है फॉल्स हो गया जी पावरफुल लेबर यूनियंस विल डिक्रीज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं ये बात भी सही नहीं है पावरफुल लेबर यूनियंस नैचुरएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर पाएंगी ठीक है क्योंकि उनके हो पावरफुल होने से क्या होता है कि वर्कर्स ज़्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं फॉर्म्स उतना वेजेस देती हैं तो उल्टा बढ़ सकता है तो ये बात फॉल्स है द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सॉरी ये ये जो क्वेश्चन है ये आप आगे जाके पढ़ेंगे एक टॉपिक आएगा कुकुंसला वहाँ पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ का है देखिए ये इन्वर्स होता है बेसिकली कि जितना अनएम्प्लॉयड लोग अन्प्लॉयड लोग छोड़ रहे हैं अन्प्लॉयमेंट को उसका इन्वर्स प्रपोर्शन जो होता है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट होता है आपने अभी पढ़ा नहीं है यहाँ पर गलती से लग गया है फिलहाल मैं इसका आंसर मार्क कर देता हूँ लेकिन आपने अभी टॉपिक नहीं पढ़ा है ये बोला आगे पढ़ेंगे इट मे बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इम्प्लॉयर्स टू पे वेजेस हायर देन देयर वर्कर्स रिजर्वेशन वेज बिल्कुल सही है एफिशिएंसी वेज पढ़ा आपने हेनरी फ्योल पढ़ा था आपने कि एफिशिएंसी वेजेस दे के उन्होंने फ्रॉड मोटर्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था तो एफिशिएंसी वेजेस का कंसेप्ट ये कहता है वर्कर्स को उनके रिजर्वेशन वेज से ज़्यादा वेजेस देनी चाहिए ठीक है जी वर्कर्स आर वर्स ऑफ ड्यूरिंग हाई अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब सही है रिड्यूस द प्रॉबलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड फाइंडिंग ए जॉब ये भी सही है इनक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये बात भी सही है तीनों बातें सही हैं जी यहाँ पर तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो जो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हैं अनएम्प्लॉयड उनको जॉब नहीं मिलेगी और जो वर्कर्स जॉब में हैं उनकी जॉब छूट, छूटने की चांस बढ़ जाता है और ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तीनों बातें सही हैं द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएफेक्टेड बाई पॉलिसी चेंजेज देखिए जो नेचुरल ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो डिटरमाइन होता है किससे एफ यू जेड से और म्यू से तो यू में अनएम्प्लॉमेंट है जेड जो है उसमें हम लेते हैं क्या कि वर्कर्स को कितना हम आ, दे रहे हैं अनएम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह तो अनएम्प्लॉड बेनिफिट अगर चेंज होगा तो नेचुरल ऑफ़ चेंज होगा लेकिन यहाँ लिख रहा है अनएफेक्टेड तो ये फॉल्स हो गया जी क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट uh, बेनिफिट्स को चेंज करेंगे तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो चेंज हो गया ही होगा तो ये बात सही नहीं है जो ये क्वेश्चन कह रहे हैं नेक्स्ट कह रहे हैं सपोज द फर्म्स मार्कअप ओवर कॉस्ट फाइव परसेंट वे सेटिंग है ये वेयर यू इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हाट इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा क्वेश्चन उस पिछली बार ये पूछा था आपसे रेलवे जब पूछ रहे हैं नेचुरल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा

देखते हैं कितना आता फ़ाइव बाय वन ज़ीरो फ़ाइव पॉइंट फोर सेवन सिक्स सारा पॉइंट जीरो फ़ोर सेवन सिक्स पॉइंट ज़ीरो फोर एट तो ये आंसर हो गया इसका आप समझे ना किया क्या हमने यहाँ पे पहले यहाँ से निकाला यहाँ से निकाला हमने पहले रियल वेज डब्ल्यू बाई पी इज ईक्ल टू वन माइनस यू और आपने वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग पढ़ा है क्या डब्ल्यू बाई पी इज इक्ल टू वन बाय वन प्लस मू हम यहां से निकाल चुके थे पहले ही और वन माइनस यू इसके इक्वल कर दिया तो यू की वैल्यू निकाल ली नेक्स्ट कंसिडर द प्राइस सेटिंग इक्वेशन एक बार इनको जरा ओहो क्या इरेजर नहीं मिल रहा था कुछ और ही पकड़े जा रहा हूं बार बार हम्म क्या कंसिडर द वे सेटिंग एंड प्राइस सेटिंग इक्वेशन क्लास अपोज मार्कअप म्यू इज इक्वल टू जीरोज नेमेंट तो यहाँ भी पहले वो निकालना पड़ेगा आपको वन बाय वन प्लस यू ये होगा वन बाय वन पॉइंट टू फाइव वन बाय पॉइंट टू फाइव कितना होगा जी और वो आपका वन माइनस यू इज इक्वल टू वन बाय पॉइंट टू फाइव तो ये हो गया जीरो पॉइंट टू फाइव अपॉन वन पॉइंट टू फाइव ट्वेंटी फाइव बाई वन ट्वेंटी फाइव वन बाय फाइव आ रहा जीरो पॉइंट टू कोई भी आंसर सही नहीं है कोई भी आंसर सही नहीं जीरो पॉइंट टू आंसर होना चाहिए इसका ज़ीरो पॉइंट टू करेक्शन करनी पड़ेगी क्वेश्चन में जीरो पॉइंट टू इसका आंसर है फिलहाल मैं ये मार्क कर लेता हूँ फर्स्ट वाला लेकिन इसका कोई आंसर सही यहाँ पे है नहीं ऑप्शंस में जीरो पॉइंट टू आंसर आ रहा है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई मोस्ट वर्कर्स आर टिपिकली गेटिंग देयर रिजर्वेशन वेज सही है जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है तो वर्कर्स के पास बार्गेनिंग पावर कम होती है तो उनको उनका रिजर्वेशन वेज ही मिल पा रहा होता है बात सही है जी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टेंस टू बी हाई इन रिसेशन लो इन एक्सपेंशन बिल्कुल सही है अगर रिसेशन ज्यादा होगा तो रिसेशन में क्या होता है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो फर्म्स को कम वर्कर सही होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा एक्सपेंशन में क्या होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है फर्म्स को ज़्यादा वर्कर सही होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा ये बात भी सच है ट्रू मोस्ट ऑफ द फॉलिंग आर नॉट काउंटेड विच ऑफ द फॉलिंग आर नॉट काउंटेड इन लेबर फोर्स कौन काउंट नहीं होता रिटायर्ड नहीं काउंट होते जी फुल टाइम स्टूडेंट्स भी काउंट नहीं होते वर्कर भी काउंट नहीं होते तीनों काउंट नहीं होते ऑल ऑफ द अबाव रिटायर्ड मतलब ये आउट ऑफ लेबर फोर्स होते हैं फुल टाइम स्टूडेंट्स होते होते हैं हैं वो भी आउट ऑफ लेबर फोर्स डिस्करेज वर्कर जो थक गए हैं बेचारे नौकरी ढूंढ ढूंढ के नौकरी मिल नहीं तो वो भी आउट ऑफ लेबर फोर्स है हु कैन बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड जो वो लोग जो कि जॉब जिनके पास नहीं है एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे वो अनएम्प्लॉयड होते हैं सम वन हैव जॉब नहीं जी पर्सन हैव जॉब बट इज एक्टिवली सर्चिंग ये बात सही है फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं होते वो आउट ऑफ लेबर फोर्स होते हैं रिटायर्ड पर्सन भी आउट ऑफ लेबर फोर्स होते हैं तो ये हो गया आपका तो आप रिजल्ट देख लेते हैं जी क्या हुआ हमारे साथ कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमको आइए देखते हैं योर स्कोर इज नाइन्टी थ्री परसेंट तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने सही मार्क नहीं करा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने सही मार्क नहीं करा यहाँ पर वेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई मोस्ट वर्कर्स आर टिपिकली कैटिंग देर ये बात तो मैंने बोली तो ट्रू थी मार्क फॉल्स कर दिया सॉरी ये बात बोला तो मैंने सच था लेकिन मार्किंग शायद फॉल्स पे हो गई ठीक है वन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हाई मोस्ट वर्कर्स आर टिपिकली गेटिंग देर रिजर्वेशन वेजेस तो ये तो सच है अच्छा इसमें आंसर गलत मार्क दें यहाँ पर हमने तो ट्रू ही मार्क किया है हमारे ट्रू को उसने गलत बोल दिया है जब देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है ना तो वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर कम होती है और ज़्यादा वर्कर्स को उनका रिजर्वेशन वेज ही मिल पा रहा होता है बात सच है यहाँ पे आंसर में गलती है इसको करेक्ट करना पड़ेगा ये सही नहीं है ये ट्रू सही है तो हमारा सही है इसके क्वेश्चन के आंसर में जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर टाइप करा है यहाँ पर उनसे एक करेक्शन मिस्टेक हो गई उसको करेक्शन करना पड़ेगा बाकी सब तो सही है ठीक है इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाता है फिर अगला टेस्ट है टेस्ट टू फिर टेस्ट थ्री आप आगे टेस्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे ठीक है तो ये है आप एक बार मैंने आपको फिर से ये कहूँगा कि एक बार पहले खुद से आप टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए और जो भी टेस्ट के वीडियोज़ हैं मॉक टेस्ट के पहले खुद से अटैम्प्ट कीजिए आपसे ना हो पाए तो वीडियो देखिए ठीक है कोई बात समझ में नहीं आई अभी भी आपको वीडियो में तो फिर डाउट सेशन जिंदाबाद आइए डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे ठीक है ओके गुड बाय थैंक यू टेक केयर